अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिले एहतराम बुज़ुर्गो दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को रहमत वाला, बरकत वाला, हिदायत वाला बनाया है। आपकी जो मुबारक ज़िंदगी है वह अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जह करने वाली, ज़िंदगियों में खैर व बरकत को लाने वाली, और सबसे बड़ी बात कि आपकी ज़िंदगी हिदायत का नमूना है। वो ज़िंदगी हमें सीखना है, उस ज़िंदगी को सामने रखकर अपने आप को बनाना है, अपनी तरबियत करना है, अपने अखलाक को, अपने आदात और अतवार को तब्दील करना है। उसी का तज़किरा चल रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान किस तरह रहते थे, आपके क्या अखलाक थे, आपका क्या बर्ताव था। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ गुजरता है और उससे माशरा बनता है, माहौल बनता है, और फिर ये जो माशरा है ये माशरा इंसानी माशरे को मुतासिर करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उन अखलाक को अगर हम एक एक लेते रहेंगे इससे अपना माशरा बनेगा, और सुकून वाला माशरा, रहमत वाला माशरा, मोहब्बत वाला माशरा, असर डालने वाला माशरा, फिर ये माशरा इंसानी माशरे पर असर करेगा। और ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि जिस माशरे में मैं रहूँ उस माशरे में ऐसा माहौल में बनाऊँ कि इंसानी माशरे पर इसका असर पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं उस माशरे का असर मैं लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक इसीलिए हैं। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के साथ जब बाहर निकलते तो किस तरह रहते, चार पांच बातें मैंने एक हदीस की बयान फरमाई, कुछ बातें बाकी रह गई। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमाते थे। काना यब्दउ बिस्सलाम, सलाम में पहल करना, सलाम में ताजील फरमाते, इंतज़ार नहीं करते थे कोई मुझे सलाम करे। सलाम करना इज़्ज़त देना है, इज़्ज़त देने में जल्दी करना, इज़्ज़त लेने में नहीं, इकराम करने में जल्दी करना, इकराम लेने में नहीं। हालांकि आपने तालीम दी छोटा बड़े को सलाम करे, जो सवार है वो पैदल को सलाम करे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि सलाम में पहल करते, बड़े हों या बच्चे हों। सहाबा फरमाते थे हमने इसकी बड़ी कोशिशें कर ली कि सलाम में पहल करें, लेकिन कभी सबकत नहीं कर सके। कितनी बड़ी खूबी है। देखें, जब हम लोगों से मिलते हैं तो सलाम एक चीज़, सलाम क्या है, इस उम्मत की खुसूसियत है सलाम, इसका जो पस मंज़र है, ये सलाम हमें क्यों मिला, क्या इसकी क्या हिकमत है। उलमा ने लिखा है कि जाहिलियत के ज़माने में जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते, आमना सामना होता, तो अंदर से घबराहट होती, पता नहीं ये क्या मुझे कह दे, पता नहीं ये मुझे क्या कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। एक अजीब सा खौफ होता था जाहिलियत के ज़माने में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल दिया कि जब भी तुम आपस में किसी से मुलाकात करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तहिया है, ज़िंदगी की दुआ है। तहिया कहते हैं ज़िंदगी को। सलाम करने वाला गोया ज़िंदगी की दुआ दे रहा है, रहमतों की दुआ दे रहा है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें और अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो। एक दुआ है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है। दुआ कौन करता है? मोहब्बत वाला करता है। और सलाम दुआ है। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ हम इसको सोचें कि इसको मैं अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम मिलते जुलते हैं, मैं सलाम में पहल करूं। ये अखलाक हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे एक ताकतवर सिफत है। काना यब्दअु बिस्सलाम, कि आप सलाम में पहल करते थे, उजलत फरमाते थे, मौका नहीं देते थे, इंतज़ार नहीं फरमाते थे। तभी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दुआ के साथ। और सारे फ़ज़ाइल अपने हदीसों में मौजूद हैं कि सलाम पर कितनी नेकियां मिलती हैं, कैसे बीमारियां दूर होती हैं। अल्बादिउ बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला हमेशा किब्र से महफूज रहता है। दिल में गुरूर नहीं आता, दिल में बड़ाई नहीं आती, क्योंकि बड़ाई और गुरूर ऐसी बीमारी है, कबूलियत के दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए, चाहे कितनी जहानत हो, कितना इल्म क्यों ना हो। और ये इलाज है सलाम में। एक रिवायत में है कि सलाम में इब्तिदा करने वाला क़तअ रहमी से महफूज रहता है। क़तअ रहम, रिश्तों को तोड़ना, कितना बड़ा गुनाह है। किसी से भी कुछ भी हो जाए, होता है आपस में, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरकैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में जब आप किसी से मिलते तो सलाम में पहल करते। घर में सलाम में पहल फरमा रहे, बच्चों के सामने सलाम में पहल फरमा रहे। बच्चे सलाम सीखेंगे कैसे, जब बड़े सलाम करते करते देखेंगे बड़ों को कि हमारे अब्बा हमें सलाम कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ देखते देखते बच्चे भी सलाम करने वाले बनेंगे। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में रहते थे, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतफक्कदु अस्हाबहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में रहते तो लोगों के हालात से बाखबर रहते। तफक्कुद कहते हैं हाल व अहवाल की खबर रखना। कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं, किसी के पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं। भाई वो नहीं आए आज जुमा में, क्यों नहीं आए? वो आज नमाज में नज़र नहीं आए, क्यों नहीं आए? भाई आज फलां जगह नज़र नहीं आए, क्यों नहीं आए? तफक्कुद कहते हैं हाल की खबर रखना। तजस्सुस कहते हैं ऐब की खबर रखना। तजस्सुस हराम है, तफक्कुद सुन्नत है। तजस्सुस, वला तजस्ससू, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ऐब की खबर मत रखो, उयूब की खबर मत रखो। इसकी कोशिश ना करो कि तुम्हारे इल्म में दूसरों के उयूब आएं। इसकी कोशिश करो कि तुम्हारी ज़िलों में दूसरों की खूबियाँ मालूम हो। ये कितना कुरान पढ़ते हैं, क्या आपका मामूल है, आप कितना खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफक्कुद, बाखबरी का निज़ाम, ये सुन्नत है। एक सहाबी नज़र नहीं आए, अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं बाजार में गए, उनकी वालदा मिल गई, पूछा आपके बेटे नज़र नहीं आए फजर की नमाज में, क्या बात है? कहने लगे वो घर पे हैं, सो रहे हैं। अच्छा चलिए मिले। जब घर गए तो देखो ये सो रहे हैं। फरमाए क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो वालदा कहने लगी रात भर नमाज इतना पढ़े, फजर में नींद लग गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे ये बेपसंद है कि रात भर सोता रहूं और फजर पढ़ लूँ। ये कैसे पता चला? जब खबर रखेंगे। तो तफक्कुद हाल की खबर रखना, किसी के यहाँ खुशी पहुँच जाए, मुबारकबादी दें, ये आपकी खुशी। किसी के यहाँ कोई परेशानी हो फौरन हाल वहा, खुशी से ज्यादा परेशानी में ख्याल रखना चाहिए। आदमी अगर किसी की खुशी ना पूछे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई परेशान हो, बीमार हो, किसी के पास कोई मुसीबत है, उस मौके पर अगर हम आपस में एक दूसरे की खबर नहीं लेंगे तो वहां पे दिल टूटेंगे। तो तफक्कुत ये सुन्नत है, हालात की खबर लेना, तजस्सुस उयूब की खबर लेना, कमजोरियों की खबर लेना, हाँ कि क्या कर, कि उनकी क्या कमियां हैं, यह बड़ा खतरनाक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसा लोगों के दरमियान रहे। एक और सुन्नत, एक और अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिरुन्नास, मुहतात रहते थे। मुहतात, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता था, आप किसी को धोखा नहीं। आपने फरमाया ईमान वाला वो है जो ना किसी को धोखा दे ना किसी से धोखा खाए, चौकन्ना रहे, मुहतात रहे, समझ रहे, केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना। हाँ, मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह बरकातुहू बड़ी अजीब बात एक लिखते हैं कि यह जमाना एहतियात का है, एतमाद का नहीं है। एहतियात और एतमाद, एतमाद का मतलब हर एक पे ट्रस्ट करना, और आज आदमी हर एक पे ट्रस्ट कर रहा है इसलिए परेशान है। हाँ, हर एक पे ट्रस्ट कर रहा है। एहतियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, लोगों के दरमियान मुहतात रहना। लेकिन एहतियात और बदगुमानी में फ़र्क है। मस्जिद में आए, चप्पल निकाले, निकाल कर हम ऊपर रख रहे हैं, बदगुमानी नहीं है, हम एहतियात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ कोई आगे उठा के ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए, आप अपनी सवारी को बांध रहे हैं, सवारी भागेगी नहीं, बदगुमानी नहीं है, एहतियात सिखा रहे हैं आप। अल्लाह की तरफ से भेजी गई सवारी थी, जिब्राइल उस सवारी को लेकर चल रहे हैं, कहाँ जा सकती है सवारी, जहां भी जाए जिब्राइल के कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन आपने एहतियात सिखाया कि भाई एहतियात करो, क्यों? अगर हम लोग जो है ना इस चीज को खलत मलत कर देते हैं। एहतियात का माना बदगुमानी समझते हैं, एहतियात बदगुमानी को नहीं कहते। हर एक के मामले में अच्छा गुमान रखना, बदगुमानी एक मुस्तकिल झूठ है, चाहे वो बात सही हो या झूठ, और ये बड़ा बदतरीन गुनाह है। किसी के बारे में बदगुमानी कायम कर लेना ये सबसे बदतरीन झूठ है, और ये दिल में अगर अंदर रखते हुए आदमी इबादत करे, नमाज पढ़े, इबादत की कैफियतें खत्म हो जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि तफक्कुद के हालात की खबर रखना, तजस्सुस से बचते रहना, मुहतात रहना, चौकन्ना रहना। आदमी बेचौकन्ना रहे लेकिन बदगुमान ना हो, आदमी बिल्कुल बदगुमान ना हो। एक बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि दुनिया मुजाजात का अमल है। मुजाजात कहते हैं जैसा मामला मैं दूसरों के साथ करूंगा वैसा ही मामला मेरे साथ किया जाएगा। ये लिखकर कहते हैं कि भाई कि बहुत चौकन्ना रहो, देखो तुम किसके साथ क्या मामला कर रहे हो, तुम्हारा मामला दूसरों के साथ क्या है। वजह इसकी यह है कि आपके साथ वही मामला होगा, आप मेरे साथ वही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अवामी जिंदगी थी, माशरती जिंदगी थी, वो जिंदगी मुहतात, बदगुमानी से पाक साफ आपने सिखाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालात की खबर रखते थे, एक दूसरे के हाल व अहवाल की खबर रखना। और तीसरी जो चीज है, सलाम में पहल फरमाते थे, आप हमेशा सलाम में पहल फरमाते। और चौथी बात हदीस पाक में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में रहते, लोगों के अंदर कोई खूबी नजर आती, उस खूबी को आप इजहार फरमा देते, उस खूबी का इजहार फरमाते। और पांचवी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से मिलते, इस तरह मिलते कि मिलने वाला यह समझता कि आप मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते। सुभान अल्लाह, देखिए कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, बहुत जलील क़द्र सहाबी। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव मेरे साथ, आपका हुस्न सलूक मेरे साथ ऐसा था कि मेरे, हदीस में अल्फाज हैं, शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस है, मेरे दिल में गलत फहमी पैदा हुई कि सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मोहब्बत करते। एक दिल में गलत फहमी आ गई सबसे ज्यादा। मैंने एक मरतबा पूछ लिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर बेहतर हैं या मैं बेहतर हूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर। फिर मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बेहतर हैं या मैं बेहतर हूं? फरमाया उमर। फिर तीसरा सवाल फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान बेहतर है या मैं बेहतर हूं? फरमाया उस्मान। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, आगे हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि मेरा नाम कब आएगा, आप खामोश रह गए। बड़ी अजीब बात उलमा ने यहां लिखी है। एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव है कि आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऐसा बर्ताव सिखा रहे हैं आप, ऐसा कि भी बर्ताव करने में कोई तकसीम और तफरीक ना करें। ऐसा आपके अखलाक थे, हर मिलने जुलने वाला ये समझता था कि बस सबसे ज्यादा मुझे आप चाहते हैं। और ये, लेकिन जब बात पूछी तो हकीकत का इजहार कर दिया, वहां पे हकीकत को नहीं छुपाया। नहीं आप, तुम ये नहीं कहा कि अबू बकर ज्यादा बेहतर है या नहीं तुम बेहतर हो। फिर वहां जाके तुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ गो। ये हकीकत है कि उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान, इनका ये मकाम है। हकीकत का जहां इजहार है वहां पर आपने बात साफ कर दी। लेकिन रही बात हुस्न सलूक की, आप ऐसा बर्ताव करते थे, हर एक ये समझता था कि सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, खुद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मैं मुलाकात करता, आप मुझे देखकर मुस्कुराते और आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते कि मेरे दिल में एक ख्याल हुआ कि मैं सबसे बेहतर हूं। मैंने आपसे एक मरतबा सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला। तो ये मुआशरा जो है ना, ये इन सिफात से बनता है, इन अखलाक से बनता है कि हम सलाम में पहल करना, एक दूसरे के हालात की खबर लेना, कोई बात नजर आए तो उसको छुपा देना, अयूब को छुपाना, खूबियों को देखना। जब मिलेंगे तो दो चीजें भी हैं, खूबियां भी हैं, कमियां भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं हमें कि एक एक की खूबी, जब आप किसी के अंदर, ये खिदमत करने वाले बहुत, ये जो है ना माशाल्लाह पहली सफ में हमेशा नमाज पढ़ते हैं, ये जो है माशाल्लाह बहुत इकराम करते हैं, माशाल्लाह ये हमेशा मुस्कुरा कर मिलते हैं। आदमी कोशिश करे कि मैं लोगों की खूबियों को देखने की मश्क करूं, क्योंकि जब आज देखो ना, अल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, नबी खूबियों का मुजस्समा होते हैं, कमालात का मुजस्समा होते हैं। लेकिन जब निगाह बिगड़ जाती है तो ऐसा शख्स नऊज़ बिल्लाह नबी को पागल कहता है, झूठा कहता है। हालांकि नबी झूठे नहीं है, नऊज़ बिल्लाह नबी मजनून नहीं है। प्रॉब्लम उस आदमी के अंदर था, अबू जहल के अंदर, उसका झूठ वहां नजर आ रहा था, उसका झूठा होना वहां नजर आ रहा था। तो अपनी सोचे कि मेरी निगाह, मैं कम्युनिटी में लोगों के साथ रहता हूं तो मैं कैसे रहूं, मैं मश्क करूं कि भाई एक की खूबी देखो। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, घर की जिंदगियां मोहब्बत वाली, घर की जिंदगियां खुशगवार कैसी बनती हैं? मिजाज में कभी कभार इख्तिलाफ, कोई चीज होती है तो कोई कमी नजर आ जाती है। कमियां हैं किसके पास नहीं। एक किताब है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की, उस किताब के अंदर एक वाक़या है। उस किताब के अंदर हैवानात के, जानवरों के खुसूसियात और जानवरों की किस्में सब बयान किए, 3 जिल्दों में है, उर्दू में भी उसका तर्जुमा हुआ है। उसके अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मजमे में बात करते करते उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी चीजें पैदा की हैं हर चीज के अंदर खूबी है, बस देखने वाली निगाह चाहिए। हर चीज के अंदर खूबी है। बड़ा आदमी जब कहता है तो फिर तो लोग, तो किसी ने सवाल किया कि खिंजीर में क्या खूबी है? शरीयत तो कहती है कि वह नजीसुल आइन है, वो तो नापाक है, उसका वजूद, उसका एक एक जर्रा जर्रा पाक होने का कोई सवाल नहीं है, उसमें क्या खूबी है? तो हजरत ने एक जुमला वहां पे लिखा, फरमाया बुकूरुहु फी हवाइजिही, वह अपनी जरूरत के लिए सुबह सुबह उठता है। जब निगाह खूबियां देखने वाली होती हैं तो फिर खूबियां हर चीज में नजर आने लगती हैं। जब निगाह बदल जाती है, जब इंसान, तो फिर क्या है, खूबियों के और कमालात के जो मुजस्समे हैं, जो शख्सियतें हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको कौम ने भी नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला एक सिखा रहे हैं कि देखो आपस में मियाँ बीवी अगर ये मिजाज अगर बना लें खूबियों को देखने का, तो कमी तो हर एक के अंदर है। शौहर अगर बीवी की कमी देखे, बीवी शौहर की कमी देखे, उस घर के अंदर कैसा मिजाज, यानी कैसा कैसा मिजाज हो जाएगा, उस घर का माहौल कैसे होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं फाइन करी तुम होना फासा अन तकरहु शैअन शैअन, छोटी सी कमी, छोटा सा ऐसी चीज है उस घर में, उस खातून में या उस शौहर में जो थोड़ी सी कमी है, क्या करो, निभा लो। क्यों निभाएं? वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरन, बहुत बड़ा खैर अल्लाह उसमें रखें। खूबियां ज्यादा होती हैं बमुकाबला कमियों के। बस आदमी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरमला कहते थे, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में फरमाया ये सच्चा आदमी है, उनके अंदर सच्चाई है। आपने खुलकर कह दिया सबके सामने ये बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं। हजरत उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आपने देखा भी नहीं, यमन में रहते थे, जब उनके बारे में आपको पता चला तो आपने फरमाया उवैस, उनकी खूबी बयान फरमाई, उमर जब मुलाकात हो उनसे तो अपनी मगफिरत की दुआ करवा लेना। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। माहौल में, माशरे में जब मिलजुल कर रहे हैं तो हमें क्या है, कमी नजर आती है, कमी। देखो एक बात अर्ज करूं, किसी का ऐब सामने आए, उस ऐब को छुपाना जो इस्लाम की तालीम है, ये उसकी जरूरत दूसरे नंबर पर है, अपनी जरूरत पहले नंबर पर है। आदमी सोचेगा कि उसका ऐब छुपाना मेरी क्या जरूरत है। इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन बना रहे, फरमाया कि अगर तुम किसी का ऐब छुपाओ, किसी के ऐब पर पर्दा डाल दो, कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐब पे पर्दा डालेगा। ये जरूरत है नहीं हमारी। आदमी सोचे क्या मेरी जरूरत नहीं है, क्या मैं कयामत में चाहता हूं कि अल्लाह मेरे अयूब पे पर्दा डाले? और फिर दुनिया में क्या है, आपने कैसा बेहतरीन एक जहन बनाया, अगर तुमने किसी मुसलमान के ऐब को उछाला, उसके ऐब को तुमने बताया, होगा क्या, हो सकता है वो तौबा कर ले, हो सकता है माफी मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला बंद कमरे के अंदर ऐसा ऐब तुम्हारे अंदर पैदा करके तुम्हें जलील और रुसवा कर दे। आदमी सोचे दूसरे नंबर पर उनकी जरूरत है, पहले नंबर पर मेरी जरूरत है। इसीलिए इस्लाम में अयूब छुपाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐब छुपाने का माहौल बनाया करते थे। उसके लिए आपने कि खूबियों को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आपने क्या फरमाया, मैं जब मेराज में गया तो तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ को देखा, जितना हुस्न अल्लाह ने पैदा किया उसका आधा उन्हें दिया है, हालांकि आप सबसे ज्यादा हसीन हैं। खूबियां दूसरों के बारे में, अपने बारे में क्या है, अपने बारे में क्या है बताएं, अल्लाहुम्मा अना अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक अतक़ल्लबु फ़ी क़ब्ज़तिक, ये अपने बारे में है, ये अपने बारे में इजहार है। या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं, मेरे माँ बाप भी तेरे बंदे, मैं भी तेरा बंदा, नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे कब्जे में है, अतक़ल्लबु फ़ी क़ब्ज़तिक, मैं तेरे ही कब्जे में, तू जैसे चाहे। फिर इतनी बंदगी वाली, अब्दियत वाली दुआ, ये अपने बारे में, ये आप सिखा रहे हैं। अपने बारे में इस तरह रहो, दूसरों के बारे में इस तरह रहो। लेकिन जब चेंज होता ना, कि आदमी अपने बारे में खुशफहमी में आता है, अपने बारे में 1000 तावीलें रखता है दूसरों की, फिर जो है ना वहां पे इसे माशरा टूटेगा, कटेगा, फटेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक अखलाक कि जब आप लोगों में रहते थे, सलाम में पहल करते, लोगों के हाल और अहवाल से खबर रखते थे, बदगुमानी नहीं करते थे, और फिर एहतियात करते थे, तजस्सुस नहीं फरमाते थे, खूबियों को देखते थे, अच्छाई है उसको अप्रिशिएट करते थे, कोई बुराई नजर आए आप उसे तन्हाई में कभी, जैसा मैंने गुज़श्ता भी हदीस बयान फरमाई, मजलिस में बरसर आम कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की गलती को प्रिंट आउट नहीं किया, तन्हाई में आपने बताया। ये अखलाक हैं जिससे माहौल जो है पाकीज़ा बनता है, माशरा बनता है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा कीमती जुमला है, फरमाते थे, लिखते हैं कि यह मुआशरा इंसानी मुआशरे को मुतासिर करता है। हम इस वक्त जो है ना एक इंसानी मुआशरे के दरमियान है, हमारी ये कम्युनिटी है, ये उम्मत मुस्लिमा है, अल्लाह ताला इस उम्मत को इस मुआशरे के अंदर बसाया है। नबूवत वाले अखलाक अगर हम सब मिलकर इसकी मश्क करें, इसको सीखें, ये माशरा बनेगा, फिर ये माशरा इस इंसानी माशरे पर असर डालेगा, इसकी बरकतें और रहमतें ये देखेंगे। और ये एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, हर मुसलमान की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।